₹20 कर लिया है। अच्छी खबर, अब ट्रेनों की स्थिति को पल पल को मिलेगी जानकारी। इस फैसले से रेलवे पर सालाना 2400 करोड़ से अधिक वित्तीय बोझ पड़ेगा, जबकि 1.40 लाख तक वेतन। सूत्रों का कहना है कि एक वरिष्ठ लोको पायलट रनिंग अलाउंसर हर महीने 1.10 लाख से 1.40 लाख का वेतन उठा सकते हैं। सहायक लोको पायलट की शैक्षणिक योग्यता 10वीं और ITI के माध्यम से है। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे आंखों के सामने से गुजरते हुए रेलगाड़ियों को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। स्टेशन पर आते जाते गाड़ियों को मैं घंटों निहारता रहता। मेरी विशेष रुचि उन लोगों में थी जो इन जादुई गाड़ियों को चलाते हैं। बस एक सपना था कि मैं भी कभी इन जादुई गाड़ियों को चला सकूं। मुझे क्या पता था कि एक दिन मेरा भी सपना साकार होगा और मैं बनूंगा एक लोको पायलट। ये बहुत ही रोचक नौकरी है, क्योंकि कौन सा ऐसा व्यवसाय होगा जिसमें आपको संपूर्ण भारत के मनोरम स्थानों का आनंद उठाने का मौका मिल सके। किंतु इस काम में चुनौतियां भी कम नहीं। एक लोको पायलट के ऊपर हजारों यात्रियों और लाखों टन माल के परिवहन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जैसा कि कहते हैं, हजारों मील लंबे सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है। एक लोकोमोटिव को निकालने से पूर्व लोको पायलट को उसकी बारीकी से जांच करनी होती है और ये सुनिश्चित करना होता है कि इंजन चलने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और सुचारू है। और सफर पर निकलने से पूर्व लोको पायलट को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि जिस सेक्शन पर वो निकलने को है उससे वो भली भांति परिचित हो। प्रॉपर रेस्ट करके आते हैं, प्रॉपर ड्रेस में आते हैं और अपने लोको लॉबी में आते हैं। साइनिंग ऑन टाइम दिया जाता है उसी हिसाब से। उसके बाद हम आकर हमारा टेस्ट होता है यहाँ पे। तो टेस्ट में पास होने के बाद हमें वो साइनिंग ऑन रजिस्टर में साइनिंग ऑन किया जाता है और CMS पे भी साइनिंग ऑन होते हैं वहाँ पर। उसके बाद हमें बताया जाता है आपको इस गाड़ी में जाना है इतनी, तो हम प्रॉपर उस गाड़ी पर फिर जाते हैं। जिस गाड़ी पर जा रहे हैं और जिस रूट पर जाना है उसका प्रॉपर हम यहाँ पर पता कर दें कौन सी गाड़ी है, कहाँ तक जाएगी, कहाँ से। इसमें सेक्शन में आने वाले हर स्टेशन, शहर की पहचान व अन्य बातों के अलावा अधिकतम चालन गति सीमा भी शामिल है। यही नहीं, लोको पायलट को किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। और लोकोमोटिव के हर गेज और मीटर पर नजर रखते हुए राह में आने वाले सिग्नलों को भी देखना होता है। और हाँ, इस सीमित सी जगह में स्वयं को घंटों आराम से रखना भी कोई कम चुनौती नहीं है। कभी कभी इस काम में परिस्थितियां आपके अंदाज से कहीं अधिक कठिन हो जाती हैं। सच कहें, ये एक नौकरी या काम नहीं, एक लंबा सा सफर है। एक ऐसा सफर जिसमें रोज आपको अपने साहस और चरित्र का नया इम्तिहान देना होता है। एक लोको पायलट होने के नाते मेरा ये ध्येय होता है कि मैं यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित और समय से पहुंचाऊं। ये वो महिलाएं हैं जो भारत को एक गौरवपूर्ण भविष्य के सफर पर ले जा रही हैं। इसीलिए तो हमें पर्दे के पीछे छिपे नायकों पर गर्व है। जब मैंने 10 साल पहले सहायक लोको पायलट के रूप में इस सफर की शुरुआत की, आज मैं राजधानी चलाता हूँ, शताब्दी चलाता हूँ, लेकिन यह सफर बहुत ही रोमांच भरा रहा है। इन पर्दे के पीछे के नायकों की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन्हें याद न करें। मैं हूँ लोको पायलट, मैं हूँ भारतीय रेल, क्योंकि यही तो भारतीय रेल की सच्ची भावना को साकार करते हैं। ऐसे हैं अपने लोको पायलट, भारतीय रेल के सच्चे हीरो। मैं हूँ लोको पायलट, मैं हूँ भारतीय रेल। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर।